हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक बैंकिंग एंड रेमिटेंस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस टॉपिक में भी हम लोग विशेषकर किसकी चर्चा करने वाले हैं, तो IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से संबंधित जो टॉपिक है या उसका एक टाइप अकाउंट का वो है रेगुलर सेविंग अकाउंट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस और आंसर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, व्हाट बेनिफिट्स विल आई रिसीव फ्रॉम माय रेगुलर सेविंग अकाउंट्स। पूछा यह गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने रेगुलर सेविंग अकाउंट को ओपन करवाया है तो उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं या कौन कौन सी सुविधाएं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। तो जो लोग रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उनको बिल पेमेंट करने में आसानी रहती है, यानी कि वो अपना जो भी बिल पेमेंट्स हैं, चाहे वो लाइट का बिल हो, पानी का बिल हो या अन्य कोई भी बिल हो, उनका पेमेंट कर सकते हैं। डोर स्टॉप बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं, यानी कि ऐसी बैंकिंग सर्विसेज जो कि आपको आपके घर पर दी जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, सिंपली जो भी GDS है या जो भी पोस्टमैन है या जो भी डिलीवरी एजेंट्स हैं, वो सिंपली क्या करते हैं कि वो कस्टमर के घर जाते हैं और उनका जो भी जमा या निकासी है वो करते हैं। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। IMPS यानी कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र करते हैं IMPS के थ्रू, और जो भी अदर रेमिटेंस सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके साथ साथ में रेगुलर सेविंग अकाउंट में एक वर्चुअल डेबिट कार्ड, यानी कि एक ऐसा कार्ड जिसे हम लोग हाथ में नहीं ले सकते, यानी कि एक ऐसा कार्ड जिसे मोबाइल में या कहीं डिजिटल रूप में ले सकते हैं, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके साथ साथ में QR कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है, इससे हम लोग हाथ में ले सकते हैं, यानी कि ये वर्चुअल नहीं होता। QR कार्ड आपको उपलब्ध करवाया जाता है, सिंपली आप उसे स्कैन कर सकते हो, उससे जमा या निकासी जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। फ़ोन बैंकिंग के साथ साथ SMS बैंकिंग दी जाती है आपको, और उसके साथ साथ आपको ईमेल पर जो भी आपका स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि आपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं क्वार्टरली में, वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और साथ के साथ में आपको SMS की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कि जो लोग रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है कि हु इज एलिजिबल टू ओपन अ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स, यानी कि रेगुलर सेविंग अकाउंट अगर किसी को खुलवाना है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति खुलवा सकता है इसको, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 10 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है वो इस खाते को खुलवा सकते हैं, और उनको सिंपली अपने जो भी KYC के डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाने होते हैं। तो प्रश्न यहाँ से क्या पूछा गया था कि KYC का पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया था। तो KYC का पूरा नाम है नो योर कस्टमर। सिंपली KYC के जो फुल फॉर्म है वो है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहकों के बारे में जानने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो सिंपली ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी एज 10 साल से ज़्यादा है वो अपने वैलिड KYC डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो उनका रेगुलर सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है कि कैन आई हैव मोर देन वन रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का ऑलरेडी रेगुलर सेविंग अकाउंट है क्या वो मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट्स खोल सकते हैं क्या। तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, एक व्यक्ति एक ही रेगुलर सेविंग अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा पोस्ट जो IPPB है वो तीन तरीके के सेविंग अकाउंट्स प्रोवाइड करती है, तो एक सर्विस में यानी कि एक अकाउंट में एक टाइप का जो अकाउंट है वो सिंपली एक ही खोला जा सकता है, दूसरा खोलने की अनुमति नहीं है। दूसरा अगर किसी का अकाउंट खोलना है तो वो दूसरे टाइप का खुलवा सकते हैं, तीसरा अकाउंट खोलना है तो वो तीसरे टाइप का अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन एक स्कीम में एक ही खाता खोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो दूसरा खाता है एक ही स्कीम का वो पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति के पास तीन स्कीम के तीन खाते हो सकते हैं, लेकिन एक स्कीम का एक से ज़्यादा खाते नहीं हो सकते हैं। सिंपली एक से ज़्यादा रेगुलर सेविंग अकाउंट्स खोले नहीं जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर चार, चार में पूछा गया है कि कैन आई ओपन अ जॉइंट रेगुलर सेविंग अकाउंट्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को रेगुलर सेविंग अकाउंट्स खुलवाना है तो क्या वो जॉइंट रूप में खुलवा सकते हैं, यानी कि एक या दो या उससे ज़्यादा व्यक्ति एक ही खाता खुलवा सकते हैं क्या? तो जॉइंट रेगुलर सेविंग अकाउंट्स अलाउ नहीं है, एक व्यक्ति के नाम से एक ही खाता खोला जा सकता है और एक खाते में एक से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं जोड़ा जा सकता है, तो जॉइंट अकाउंट भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर पाँच, पाँचवा पूछा गया है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन आर रेगुलर सेविंग अकाउंट्स ऑफ DBT, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिशरीज एट काउंटर्स एंड एट डोर स्टॉप थ्रू डोर स्टॉप बैंकिंग। बेसिकली ये पूछा गया है आपसे कि अगर किसी व्यक्ति को रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलवाना है तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो सिंपली एक तो आपको फॉर्म भरना होता है, उसके साथ साथ में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है। अगर किसी के पास में पैन कार्ड नहीं है तो वो फॉर्म 60, यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर्म कहें या एक फॉर्म का फॉर्मेट कहें तो फॉर्म नंबर 60 के नाम से एक आता है। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो पैन कार्ड की जगह पर उनको दे सकते हैं। और सिंपली इसके साथ साथ में आपको बायोमेट्रिक वैलिडेशन करना है, यानी कि आपको फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन देना होता है। उसी के साथ साथ आपको एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाता है वो आपको प्रोवाइड करवाना होता है, और उसी के साथ साथ में आपका जो खाता है वो खोल दिया जाता है। तो सिंपली डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, तो एक तो है आधार, दूसरा है पैन कार्ड या फिर फॉर्म नंबर 60, और तीसरा हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कहीं एक मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर छः, छः में पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कस्टमर ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एट काउंटर्स एंड एट डोर स्टॉप थ्रू डोर स्टॉप बैंकिंग। यानी कि ये पूछा गया है कि कस्टमर्स जो फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय या गैर वित्तीय जो ट्रांजेक्शंस करता है काउंटर पे या डोर स्टॉप बैंकिंग के थ्रू, तो वो किस तरीके से कर सकता है या किस तरीके से उनके ट्रांजेक्शंस होते हैं, सिंपली ये पूछा गया है। तो सिंपली क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति ने रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाया है या तो वो काउंटर पे जाए पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे या वो डोर स्टॉप बैंकिंग के थ्रू डोर स्टेप पर अपनी सुविधा प्रोवाइड करता है, तो सिंपली क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है जब भी ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है। उस OTP को सिंपली क्या करना होता है, कस्टमर को या तो काउंटर पर देना होता है या डोर स्टॉप सर्विसेज जब लेते हैं तो उस व्यक्ति को देना होता है जो आपको सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। तो सिंपली आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होता है, उस पर जो OTP जाता है वो OTP आपको प्रोवाइड करना होता है, या फिर आपका फिंगरप्रिंट वैलिडेशन भी आजकल मान्य है लेकिन उसमें भी OTP कर दिया है, और उसके साथ साथ में आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट भी देना होता है। क्वेश्चन नंबर सात, सात में पूछा गया है कि व्हाट आर द OVDs, यानी कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये पूछा गया है। तो सिंपली OVD की आप फुल फॉर्म जान सकते हो, OVD की फुल फॉर्म है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ये आपकी OVD की फुल फॉर्म है। और इसके साथ साथ में ये भी पूछा गया है कि OVD की या ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो सिंपली इसमें पासपोर्ट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड भी है, और उसके साथ साथ में आधार लेटर जो कि UIDAI के थ्रू इशू किया जाता है वो भी हो सकता है, और उसके साथ साथ में आपका जॉब कार्ड या एक तरीके से कहें जो नरेगा कार्ड है आपका वो भी हो सकता है, और इसके अलावा जो भी आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करती है आपको, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन उस जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, उस पर सिंपली आपका क्या होना चाहिए, फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे पासपोर्ट होता है इस पर भी फ़ोटो होता है, इन सब पर फ़ोटो होता है, तो ये आपको फ़ोटो वाला जो डॉक्यूमेंट्स है जिस पर आपकी पहचान हो सके कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपका है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स OVD के अंतर्गत आते हैं। और इन OVDs को ही आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको जब आप सर्विसेज लेते हो अपनी या आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो वो आपको प्रोवाइड करवाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, आठ बार पूछा गया, इज़ द नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर आर रेगुलर सेविंग अकाउंट
प्रश्न में पूछा गया है कि जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है क्या उसमें नॉमिनेशन की जो सुविधा है वो उपलब्ध है या नहीं है। तो जो रेगुलर सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनमें नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध होती है, इसका आंसर होगा यस, इसमें अवेलेबल होती है और आजकल सभी खातों में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, व्हाट इज़ द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन दिस अकाउंट। यानी कि ये पूछा गया कि अगर किसी को रेगुलर सेविंग अकाउंट्स खुलवाना है तो उसके लिए न्यूनतम कितना पैसा देना होगा या कितनी राशि जमा करानी होती है या कितने से अकाउंट खोला जाता है, ये पूछा गया है। तो बेसिकली जो रेगुलर सेविंग अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम लोग जीरो मिनिमम बैलेंस से भी खोल सकते हैं, यानी कि इसमें अगर कोई चाहे तो इसे जीरो बैलेंस से भी खोल सकता है और अगर कोई चाहे तो इसमें कुछ अमाउंट भी ऐड कर सकता है, लेकिन न्यूनतम राशि की जो सीमा है वो इस पर लागू नहीं होती है। इसमें जीरो से भी इस खाते को खुलवाया जा सकता है, यानी कि बिना किसी जमा के भी हम लोग इस खाते को खुलवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि डू आई नीड टू हैव अ मिनिमम बैलेंस टू मेंटेन अ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। ये पूछा गया है कि जिनके पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है क्या उनमें न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है क्या। तो इसके लिए जो आंसर है वो है कि नहीं, इस खाते में किसी भी प्रकार का कोई भी जो मिनिमम बैलेंस है वो रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इसमें जीरो अमाउंट भी रख सकता है और चाहे तो इसमें कुछ पैसे भी ऐड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि हाउ मैनी कैश विड्रॉल्स कैन आई अवेल माई सेल्फ ऑफ इन अ मंथ। सिंपली पूछा गया है कि जिन लोगों के पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स हैं अगर वो एक महीने में पैसे की निकासी करते हैं तो क्या इसके लिए कोई लिमिट्स है कि एक ट्रांजेक्शन होगा या दो ट्रांजेक्शन होंगे या तीन होगा या इसके लिए कोई सीमा नहीं है, ये पूछा गया है। तो बेसिकली जो कैश विड्रॉल की जो लिमिट है एक महीने में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में लागू नहीं होती है, इसमें एक महीने में कितने भी विड्रॉल कर सकते हैं इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, एक दो या इससे भी अधिक आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कैश विड्रॉल वाले। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया हाउ मैनी डिपॉजिट्स कैन आई मेक इन अ मंथ। क्या एक महीने में इस खाते में जमा की कोई सीमा है क्या, ये पूछा गया है। तो जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं उनमें एक महीने में जो जमा पर जो लिमिट है उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है, उसमें भी अनलिमिटेड डिपॉजिट्स कर सकते हैं, यानी कि जमा के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक दो या उससे भी अधिक हो सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट्स इस पर अप्लाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि व्हाट आर द चार्जेस फॉर डोर स्टॉप बैंकिंग सर्विसेज। अगर कोई व्यक्ति काउंटर पर जाता है पोस्ट ऑफिस के पर तो उसके लिए क्या चार्जेस हैं या डोर स्टॉप पर जो सर्विसेज लेते हैं उनके लिए क्या चार्जेस हैं, बेसिकली बात यहां पर है। और प्रश्न में पूछा गया कि डोर स्टॉप बैंकिंग सर्विसेज के क्या चार्जेस हैं, तो इसके लिए जो चार्जेस हैं वो हैं 20 रुपीज़। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसे डोर स्टॉप बैंकिंग सर्विसेज का लाभ लेना है तो उसे एडिशनल 20 रुपये पे करने होते हैं और ये जो पैसा है वो जो IPV है वो अपने जो डिलीवरी एजेंट्स हैं चाहे पोस्टमैन हो चाहे GDS हो उनके माध्यम से कलेक्ट करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया इज देयर अ मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट्स। पूछा गया है कि जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं क्या उनके लिए अधिकतम जमा की जो लिमिट है क्या ऐसा कोई लिमिट्स हैं, ये पूछा गया है। तो एक खाता जो कि रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है उसमें एक दिन के अंत में यानी कि जो दिन चल रहा है या जिस दिन भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस दिन में 2 लाख रुपये से ज़्यादा की राशि नहीं होनी चाहिए, 2 लाख रुपये तक की राशि उस अकाउंट में रखी जा सकती है। बेसिकली कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी अकाउंट्स में किसी व्यक्ति ने ट्रांजेक्शन्स किए 50,000 के 5 ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसमें से 4 जमा के किए 1 निकासी का किया है, तो कहने का मतलब यह है कि उस अकाउंट में मैक्सिमम 2 लाख रुपये ही जमा हो सकते हैं, यानी कि 50,000 की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो 4 बार ही हो सकते हैं, 5वीं बार जो ट्रांजेक्शन्स है जमा का वो नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको इसमें से कुछ पैसा निकालना या ट्रांसफ़र करना होगा। तो मैक्सिमम की जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपये दिन के एंड तक।
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, व्हाट हैपेंस इफ आई एक्सीड द मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट। अगर किसी व्यक्ति ने जो 2,00,000 रुपए की लिमिट है इसको अगर किसी ने क्रॉस कर दिया है तो उसके साथ में क्या हुआ, ये पूछा गया है बेसिकली। तो इसके लिए दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस क्या हैं कि अगर किसी की लिमिट 2,00,000 रुपए की है, यानी कि इस खाते की लिमिट 2,00,000 रुपए है और कोई ट्रांजेक्शन इसके ज़्यादा करता है, 2,00,000 रुपए से ज़्यादा का जमा का ट्रांजेक्शन अगर कोई करता है तो उसका ट्रांजेक्शन सिंपली एक बार तो फेल हो जाता है, सिंपली फेल होता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में है कि जिन लोगों के पास में पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, अगर 2,00,000 रुपए से ज़्यादा पैसा होता है तो वो जो खाता है जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट्स है और रेगुलर सेविंग अकाउंट्स में वो पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक किसी का रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है, इसमें उसने 2,00,000 रुपए जमा किए, फिर से वो 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना चाहता है, तो अगर किसी के पास में पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है तो ये जो ट्रांजेक्शन है 50,000 रुपए वाला ये हो जाएगा और ये जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स में डायरेक्ट चले जाते हैं। तो बेसिकली आईपीबी ने क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ में एक समझौता किया हुआ है, जिन लोगों के पास में पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स हैं और वो दोनों आपस में लिंक हैं तो जो फंड एक्सीड होता है 2,00,000 रुपए से ज़्यादा वाला वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पर, जो POSA लिंक्ड है उस खाते में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि POSA क्या है। POSA बेसिकली पोस्ट ऑफिस का एक सेविंग्स अकाउंट्स है, जिसे हम लोग सेविंग अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं, SB अकाउंट्स के नाम से भी हम जानते हैं, सेविंग्स बैंक्स ट्रांजेक्शन्स के जो हम लोग करते हैं पोस्ट ऑफिस में, सेविंग बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन्स, वो जो बचत खाता है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स या POSA के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि वॉट इफ़ आई डोंट हैव अ POSA। अगर किसी व्यक्ति के पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है और उनके पास में पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट्स नहीं है तो उस कंडीशन में पूछा गया है कि अगर 2,00,000 रुपए से ज़्यादा का जो ट्रांजेक्शन्स है तो उसका क्या होगा, यानी कि 2,00,000 रुपए किसी के अकाउंट में ऑलरेडी जमा है और वो लोग एक पैसा भी जमा करना चाहता है या कुछ भी अमाउंट जमा कराना चाहते हैं तो उनके पैसे का क्या होगा। बेसिकली अगर किसी के पास में POSA नहीं है और वो रेगुलर सेविंग अकाउंट्स में 2,00,000 रुपए से ज़्यादा का पैसा जमा करते हैं तो उनका जो ट्रांजेक्शन्स है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो जाएगा, यानी कि 2,00,000 रुपए से ज़्यादा का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। 2,00,000 रुपए ही आपको दिन के एंड तक रखने होंगे। किसी के पास में POSA अगर होगा तो IPV से जो पैसा है वो सीधा POSA में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि विल आई गेट अ डेबिट कार्ड विद माई अकाउंट्स। जिन लोगों के पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स हैं क्या उनको कोई डेबिट कार्ड दिया जाता है, तो हाँ इसके लिए आंसर है यस, उनको दिया जाता है, उनको एक्चुअली रुपए का वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो बैंक्स वगैरह हैं SBI या PNB या अदर्स बैंक हैं उनके जो ATM कार्ड्स हैं उस तरीके से क्या कोई कार्ड मिलता है, तो बिल्कुल नहीं मिलता है। एक्चुअली ये हमें डिजिटल कार्ड बोल सकते हैं हम लोग इसे, या वर्चुअल डेबिट कार्ड बोल सकते हैं। तो हमें डेबिट कार्ड तो मिलता है लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, और वो कौन सा है, तो वो रुपए का होता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे कौन सी कंपनी का है, रुपए का। क्वेश्चन नंबर 19 में, व्हाट इज़ द QR कार्ड ऑफर्ड बाई IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। जो QR कार्ड दिए जाते हैं वो क्या है एक्चुअली, तो बेसिकली क्या है, एक डिजिटल फॉर्म है, यानी कि इस पर क्या होता है, एक बार कोड होता है, सिंपली आप जैसे ही इसको स्कैन करते हो कहीं पर तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी जो डिटेल्स हैं, नाम, अकाउंट नंबर, वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली वो क्या है, एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं, या एक तरीके से कहें वो एक डिजिटल फॉर्म है बार कोड का, इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, कैन आई यूज़ द IPV QR कार्ड इन एन ATM। बेसिकली ये पूछा गया है कि जो QR कार्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा दिए जाते हैं क्या उन्हें हम लोग ATM में लगा करके ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, क्या हम लोग उन्हें ATM में यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। बेसिकली जो ATMs होते हैं उनके लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट डेबिट कार्ड्स दिए जाते हैं उनसे पैसा निकालने के लिए। तो बेसिकली जो QR कार्ड है वो कोई कार्ड नहीं है, बेसिकली वो एक ATM कार्ड नहीं है, वो एक डिजिटल फॉर्म है किसी भी डिटेल्स के लिए, तो हम लोग उसे ATM में लगा करके पैसा नहीं निकाल सकते हैं या और जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो नहीं कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि व्हाट इफ आई लूज माय क्यूआर कार्ड। अगर किसी व्यक्ति का क्यूआर कार्ड खो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, या क्या उसे इससे कोई नुकसान होने वाला है। तो किसी व्यक्ति का क्यूआर कार्ड अगर खो जाता है, बेसिकली उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, बेसिकली वो क्यूआर कार्ड से भी हो सकते हैं और ओटीपी से भी होते हैं, और ओटीपी के साथ साथ में आपके फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से भी होते हैं। लेकिन जब हम लोग क्यूआर कार्ड को यूज़ करते हैं उस समय भी एक ओटीपी आता है। अगर वो ओटीपी को अगर आप लोग नहीं देते हो किसी व्यक्ति को, अगर आपका क्यूआर कार्ड खो जाता है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपको दोबारा से इशू करवाना है तो आप लोग इस टोल फ्री नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास में जो भी ब्रांच है आईपीबी की वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि हाउ इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं उन पर जो ब्याज है, इंटरेस्ट रेट है, वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो इंटरेस्ट है वो ईओडी यानी कि एंड ऑफ द डे का जो भी बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, और उसे उसका जो भुगतान है ब्याज का वो क्वार्टरली दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि कैन आई रिक्वेस्ट फॉर आ चेकबुक। क्या रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के लिए कोई चेकबुक जारी की जाती है, क्या इसके लिए कोई अप्लाई कर सकता है क्या। तो बेसिकली जो चेकबुक की सुविधा है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के लिए फिलहाल कोई भी चेकबुक जारी नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, कैन आई रिक्वेस्ट फॉर अ डिमांड ड्राफ्ट। क्या जिन लोगों के पास में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स हैं क्या वो डिमांड ड्राफ्ट या डीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, उनके लिए किसी भी प्रकार की डीडी जारी नहीं की जाती है, और इस खाते से फिलहाल ये सुविधा भी नहीं मिलती है। क्वेश्चन 25 में पूछा गया कि डू आई नीड टू सबमिट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स टू ओपन आर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। बेसिकली ये पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स खुलवाने हैं तो क्या वो भौतिक रूप से डॉक्यूमेंट्स को दे सकता है, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से क्या डॉक्यूमेंट्स को दे सकता है। बेसिकली ये पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट खुलवाने हैं तो क्या वो ऑफलाइन मोड में खोला जा सकता है क्या, तो बिल्कुल हाँ, इसके लिए आंसर है यस, खोला जा सकता है। ये जो खाता है वो ऑनलाइन भी खोला जा सकता है, आप लोग अपने मोबाइल वगैरह से खोल सकते हो, या ऑफलाइन भी खोला जा सकता है, आप लोग सिंपली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करा सकते हो, कहाँ पर संबंधित ब्रांच ऑफिस में जा करके, जो भी आईपीबी के ब्रांच ऑफिस है वहाँ जा कर करवा सकते हो। उसके लिए आप लोग अकाउंट ईकेवाईसी और नॉन ईकेवाईसी के माध्यम से भी खुलवा सकते हैं, लेकिन जो लोग केवाईसी के माध्यम से खुलवाते हैं, ईकेवाईसी के माध्यम से खुलवाते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट्स लेते हैं। जो लोग नॉन ईकेवाईसी के अकाउंट्स खुलवाते हैं उनको कुछ सुविधाएँ मुहैया नहीं होती हैं, और उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी थोड़े से देने होते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहचान का और पते का एड्रेस, यानी कि एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट कराने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, कैन आई ओपन नॉन ई के वाई सी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट थ्रू डोरस्टेप सर्विसेज। किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति ने डोरस्टेप सर्विसेज वो लेता है या उनको लेनी है, और उन्हें इस संबंध में लेनी है कि उन्हें रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाना है, वो भी कौन सा वाला, नॉन ई के वाई सी वाला, तो क्या वो खुलवा सकते हैं। तो डोरस्टेप सर्विसेज के माध्यम से नॉन ई के वाई सी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को ओपन नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की जो ब्रांचेज है वहाँ पर ही सुविधा उपलब्ध है। ईकेवाईसी के जो डॉक्यूमेंट, ईकेवाईसी वाले जो रेगुलर सेविंग अकाउंट्स हैं वो डोरस्टेप सर्विसेज पर और काउंटर पर खोले जा सकते हैं, लेकिन जो नॉन ईकेवाईसी वाले रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स हैं वो डोरस्टेप सर्विसेज के माध्यम से नहीं खुलवाए जा सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।